हे दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं ASG के टॉप बॉक्स के ऊपर रिव्यू करने वाला हूँ, तो आज मेरे पास है ASG का टॉप बॉक्स और इसका मैं रिव्यू दूंगा। ये पीछे से उसका लुक है, इसमें मतलब मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, सब कुछ मैं बताऊंगा। इसके साथ मैं ऑलरेडी 600 किलोमीटर्स का राइड कर चुका हूँ। इवन सातवाड़ी फॉल्स का जो वीडियो था उस पर भी यही बॉक्स मैं साथ में कैरी किया था। वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि पूरा ऑफ रोड रोड था, वहाँ पर भी मैंने इसे यूज़ किया है। फिलहाल आज मैं बताऊंगा इसके साथ एक्सपीरियंस क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए हमें ख़रीदने के बाद। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो बैक रेस्ट है ना, ये प्लास्टिक का है, तो इसके ऊपर कुछ लेदर का जुगाड़ करना होगा, प्लस इस पर कुछ कुशनिंग पार्ट भी करनी होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने वो व्लॉग में बताया था कि मेरे साथ पीछे मेरा एक कज़न आएगा, तो कज़न बता रहा था कि उसके जो बैक पे ना ये बार बार बैंग हो रहा था, ये बॉक्स मतलब ऐसे हिलते रहता है। ये बॉक्स आई डोंट नो कैमरा में कैप्चर हो रहा है या नहीं, बॉक्स हिलते रहता है, तो बार बार उसके बैक पे बैंग हो रहा था, जिसकी वजह से उसको ना पीठ में ना मतलब पेन हो रहा था। तो सबसे इरिटेटिंग पार्ट ये था इस बॉक्स का। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि इस पर मैं क्या जुगाड़ कर रहा हूँ। और सेकंड थिंग है कि यहाँ पर नीचे है ना, नीचे थोड़ा स्पेस होता है, तो ये कंपनी ने क्यों दिया है मुझे नहीं पता, तो इससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और ना टक 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 आवाज़ आते रहता है। ये देखो आप सुन सकते हो यहाँ पर, तो यह आवाज़ है। इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। फिलहाल बॉक्स को देखते हैं ओवरऑल कैसा है, स्पेस कितना है। तो अगर अब मैं स्पेस की बात करूं तो स्पेस इसमें ना, ये 32 लीटर का बॉक्स है, इस पर एक बड़ा वाला हेलमेट आराम से रह जाएगा। दो हेलमेट नहीं फिक्स होंगे, एक हेलमेट फिक्स होगा, और यहाँ पर ना थोड़ा स्पेस बाद में बचता है, उस पर आप छोटा मोटा सामान भी रख सकते हो। स्पेस की बात करूँ तो हेलमेट आराम से रहता है, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कितना स्पेस होगा इसके अंदर। और एक और चीज़ इन लोगों ने प्रोवाइड की है, ये जो नट है ना इन लोगों ने दिया है, ये विंग नट है, इसे ऐसे लॉक कर सकते हो, मतलब सो दैट कोई चोरी ना करके जाए, तो सेफ्टी के लिए इसे लगा सकते हो, क्योंकि मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जहाँ पर बाइक चलते चलते ना बॉक्स निकल के गिर जाता है। तो ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी रहेगा सपोर्ट के लिए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसे आप लॉक कर सकते हो। ओके, तो एक अच्छी चीज़ इन लोगों ने दी है ये पार्ट, ये क्या है कि मतलब पूरा बॉक्स ओपन होके गिरता नहीं है, इसका जो कवर हेड पूरा ओपन होके गिरेगा नहीं, एटलीस्ट यहाँ पर हैंग होके रहेगा। तो दोस्तों अभी मैं इसे ओपन करने की बात करूँ या फिर लॉक करने की बात करूँ, तो इसके साथ में आपको दो कीज़ मिलेंगी, ये एक की है, एक और मैंने सेपरेटली रखी है, तो इसे आपको बस लगाना है और इससे ओपन करना है। फिलहाल ओपन ही था, ये देखो ऐसे लॉक करना है इसे। वैसे ही अभी ये जो बटन है, इसे नीचे से पैनल में से बाहर निकालने का बटन है, तो ये ओपन नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो ये ओपन नहीं होगा। इसे ओपन करने के लिए वैसे सेम मेथड है, आपने एक बार ओपन कर लिया है, फिर आपको यहाँ पर नीचे पुश करना है, पुश करके बस उठाना है। अभी फिलहाल मैं सिंगल हैंडेड यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ये निकलेगा। तो अब प्लेट की मैं बात करूँ, तो प्लेट अच्छा है, स्ट्रांग है प्लेट, इन लोगों ने इवन रबर मटेरियल भी दिया है, सो दैट वाइब्रेशन ना, स्टिल इसमें वाइब्रेशन आता है। तो बोल्ट्स की मैं बात करूं तो इसमें चार बोल्ट्स लगेंगे, ये दो, और इवन नीचे से ना इन लोगों ने प्लेट भी दी है, बट ये जो स्क्रू है ना, ये जो बोल्ट्स नट एंड बोल्ट्स है, इन लोगों ने प्रोवाइड किया था, बट ये डोमिनर का टॉप रैक है ना, तो इस पर फिट नहीं हो रहा है वो दोनों, इसके लिए मुझे चेंज करने पड़े। मैंने सेपरेटली लिए, मुझे 40 रुपीज़ पड़ा, तो 2 इंच के स्क्रूज है, ये नट बोल्ट है, सॉरी 2 इंच के नट बोल्ट है। तो इस पे, इस पट्टी पे मैंने इसे बस वॉशर की मदद से इसे टाइट किया है। तो दोस्तों बस इतना ही आपको करना है एक्स्ट्रा, बस ये चार बोल्ट्स। डोमिनर के टॉप रैक पे भी मैंने एक वीडियो देखा था कि उसने यहाँ पर ड्रिल किया था, तो मैंने ऐसे ड्रिलिंग कुछ नहीं किया, ड्रिलिंग की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, ये आराम से बैठ जाएगा। ड्रिलिंग करके क्यों मतलब यहाँ पर उस पर, अगर आप लोग ड्रिल करोगे ना, ये देखो यहाँ पर जंग पकड़ रहा है, इस जंग पकड़ने का रीज़न है क्योंकि नट जब भी हम घुमाते हैं तो इस पर पेंट निकल जाएगा इसका, तो इस एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। मैंने पिछले ब्लॉग में टॉप रैक के भी बारे में बोला है, स्टील के जो मेटल के जो टॉप रैक्स आते हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए, ये स्टेनलेस स्टील वाला है, क्योंकि मेटल का जो टॉप रैक है उस पर अगर स्क्रैच पड़ेगा ना, एक बार पेंट गया तो उस पर रस्टिंग प्रॉब्लम आएगी और वो सड़ के टूट जाएगा। सेम इस पर भी अप्लाई होगा, ये भी मेटल का ही है, तो इस पर भी अगर पेंट जाएगा इसका तो इस पर भी रस्टिंग प्रॉब्लम आ सकती है, तो ध्यान दो इस पर पेंट ना जाए, इस पर पेंट एक बार जाएगा तो रस्टिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। फिलहाल बारिश पड़ रही है तो ये थोड़ा गंदा हो चुका है, गंदा मतलब वेट हुआ है, तो ये देखो यहाँ पर भी रस्टिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, क्योंकि नट जब भी हम टाइट करेंगे तो यहाँ से पेंट निकलेगा, पेंट निकला तो ये रस्टिंग स्टार्ट हो रही है। फिलहाल इसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी बार नट डालेंगे ओपन करेंगे
इसका पेंट जाएगा ही। अब दोस्तों अगर मैं टॉप बॉक्स की बात करूँ, फिलहाल थोड़ा गंदा हो चुका है क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि इसके साथ मैं ऑलरेडी राइड कर चुका हूँ। राइड करने के बाद मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मतलब बिना सोचे समझे रिव्यू देना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, आप लोगों के लिए भी वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं ये बताने के लिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस किया, बस ये वाइब्रेशन थोड़ा करता है। और सेकंड थिंग वो मैंने बैकरेस्ट का बताया था, उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और इसके साथ आएगा आपको एक रिफ्लेक्टर, इवन यहाँ पर ASG की ब्रांडिंग आएगी, यहाँ पर भी ASG की ब्रांडिंग आएगी, और यहाँ पर एक रेडियम लगा हुआ है, इन लोगों ने रेड कलर का कुछ मारा है। तो इतना ही दोस्तों। और जैसे कि अगर आपको वो बैक रेस्ट निकालना है तो यहाँ पर चार स्क्रू है, चार स्क्रू के मदद से ये बैक रेस्ट निकल जाएगा। इसे निकाल के कुशनिंग करनी होगी और लेदर का कुछ अच्छा कवर डालना होगा, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम करते रहेगा। और एक और चीज़ दोस्तों, ये वाटरप्रूफ है। मुझे मतलब मैं इतनी राइड किया था, आप लोगों ने मेरे वीडियो व्लॉग में देखा ही होगा। जिन्होंने भी अगर मेरा व्लॉग नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो। तो उस व्लॉग में मैंने बताया था कि बारिश बहुत हो रही है, तो बारिश से ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। अंदर वाटर लीकेज का कोई चांस नहीं था, वाटर लीकेज नहीं हुआ मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वाटर लीकेज का। वैसे तो पूरा बॉक्स कवर्ड है और फिलहाल थोड़ा गंदा हो चुका है जैसे मैंने बताया था, इसे थोड़ा क्लीन भी करना होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और अगर इसकी मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इसका कॉस्ट 2,700 रुपीज़ है। ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा और अमेज़न पे भी मिलेगा, चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा।